वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल गाइज एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, फाइनली आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा रिजल्ट और फिजिकल से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई हुई है। यहाँ पे सब कुछ साफ कर दिया गया है कि आपका फिजिकल कब होना है, रिजल्ट कब तक में आएगा, साथ में जो फिजिकल होगा उसके अंदर आपको क्या क्या क्वालिफाई करना होगा और कहाँ पे गड़बड़ी करेंगे तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये अपडेट देख सकते हैं nowbharattimes.com की है। जब आंसर की आनी थी तो सबसे पहले यहीं पे अपडेट किया गया था। अब यहाँ पे रिजल्ट और फिजिकल के बारे में अपडेट दी गई है 100% प्रूफ के साथ। यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं 16 जनवरी का है, 12:21 PM में, यानी बहुत टाइम नहीं हुआ है। मैंने सोचा सुबह के टाइम आप सभी एक्टिव होंगे तब आप तक ये न्यूज़ पहुँचाऊँगा। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2019, जाने रिजल्ट के बाद फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, पढ़े पूरी डिटेल। यहाँ पे हेडिंग कुछ और है बट अंदर जो है तो आपको डेट के बारे में बताया गया है कि रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा और कौन से लोग फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। तो न्यूज़ को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में आगे आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट के बाद आवेदकों को फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा और इसके बाद ही चयन की अंतिम लिस्ट तैयार होगी। यानी आपका जब रिजल्ट आएगा तो वो फाइनल नहीं होगा, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, देन उसके बाद जो है तो फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आवेदक फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो नौकरी की रेस से बाहर हो जाएगा। अगर आप लोग फिजिकल में डिसक्वालीफाई होते हैं तो आपको वहीं से जो है तो नौकरी की रेस से बाहर कर दिया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी आंसर की जारी होने के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि अगले महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यह लिखित एग्ज़ाम का रिजल्ट है लेकिन रिजल्ट के बाद ही नियुक्ति नहीं मिलेगी, यह जो है तो रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा, इसके बाद ही डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को पास करने के बाद आवेदकों को आरआरबी ग्रुप डी फिजिकल टेस्ट देना होगा और इसके बाद ही चयन की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। आप लोग जो है तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को पहले पास करेंगे, देन उसके बाद फिजिकल को पास करेंगे, उसके बाद ही जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो आपको आरआरबी अभी से जो है तो आरआरबी ग्रुप डी फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप लोग जो एग्ज़ाम है उसको क्रॉस कर लेंगे तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी फिजिकल टेस्ट डेट 2019 की घोषणा रिजल्ट के तुरंत बाद ही कर दी जाएगी। क्योंकि जो फिजिकल का टेस्ट का डेट होगा, जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके एक या दो दिन बाद आपको कॉल लेटर मिल जाएगा और जल्द ही इसका टेस्ट भी आयोजित कर दिया जाएगा। अगर आप आज से आरआरबी ग्रुप डी फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू करेंगे तो आपके पास इसकी तैयारी के लिए करीब 1 महीने का समय होगा। अगर आप लोग अभी से इसकी तैयारी करने के लिए जाएंगे तो आपको 1 महीने का समय मिलेगा। रिजल्ट के एकदम बाद फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे ही आप लोग तुरंत अगर तैयारी करने के लिए जाएंगे वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ये होगा, देख लिए शामिल। आरआरबी ग्रुप डी पीईटी एग्जाम में पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलो का भार 2 मिनट में 100 मीटर तक लेकर जाना होगा। ये क्लियर है, 35 किलो का भार 2 मिनट में और 100 मीटर तक लेकर जाना होगा। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 मीटर की दौड़ 4:15 में पूरी करनी होगी। यानी दो टास्क हैं, एक 35 किलो वजन लेकर 2 मिनट के अंदर 100 मीटर और दूसरा 1000 मीटर 4:15 में पूरा करना होगा। और महिलाओं के लिए जो है तो 20 किलो का भार 2 मिनट में 100 मीटर तक लेकर जाना होगा, साथ ही 1000 मीटर की दौड़ 5:40 में पूरी करनी होगी। इनको जो है तो 20 किलो का भार 2 मिनट में 100 मीटर तक, साथ में 1000 मीटर इनका टाइम बढ़ा दिया गया है, 5:40 कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिजिकल टेस्ट से के लिए योग्य अभ्यर्थियों को केवल एक ही मौका दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो नौकरी की रेस से भी बाहर हो जाएंगे, आपकी पिछली सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आपको बता दें कि कोई भी उम्मीदवार हो, कैसा भी उम्मीदवार हो, कितनी भी छूट हो, यहाँ पे केवल फिजिकल के लिए एक ही चांस दिया जाएगा। अगर उसके अंदर आप लोग कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और कुछ गड़बड़ी कर देते तो वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जिससे आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।